विपक्षी दल के विरोध और अटकलों के बीच नई संसद की भव्य उद्घाटन का दिन और समय में मोहर लग चुका। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली सरकार के 9 साल पूरे होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस अवसर पर बोलते हुए अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को नई संसद भवन को देश को समर्पित करेंगे। नई संसद भवन के निर्माण रिकॉर्ड समय में किया गया है और प्रधानमंत्री इसे बनाने वाले 7,000 श्रमिकों को सम्मानित भी करेंगे। नई संसद भवन प्रधानमंत्री मोदी की दीर्घकालीन दृष्टि को दर्शाता है, अमित शाह ने कहा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारतीय संस्कृति, विशेषकर तमिल संस्कृति में सिंगोल का बहुत महत्वपूर्ण है। चोल वंश के समय से सिंगोल महत्वपूर्ण रहा है, इसे नई संसद में रखा जाएगा। मई को संसद का नवनिर्मित भवन राष्ट्र को समर्पित करेंगे। एक प्रकार से ये नया संसद भवन प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शिता का प्रमाण है, जो नए भारत के निर्माण में हमारी सांस्कृतिक विरासत, परंपरा और सभ्यता को आधुनिकता से जोड़ने का एक सुंदर प्रयास है। इस नई संरचना को रिकॉर्ड समय में बनाने के लिए करीब करीब 60,000 के आसपास श्रम योगियों ने अपना योगदान दिया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री जी इस सभी श्रम योगियों का सम्मान भी करेंगे। एक और महत्वपूर्ण घटना होने जा रही है, जिसकी आपको सूचना देने के लिए आज मैं यहां उपस्थित हुआ हूं। इस अवसर पर एक ऐतिहासिक घटना पुनरावर्तित हो रही है, एक ऐतिहासिक परंपरा पुनर्जीवित भी हो रही है। अभी स्क्रीन पर आप एक सुंदर वस्तु को देख रहे हैं, राजसी लगती है वस्तु, इसके पीछे युगों से जुड़ी हुई एक परंपरा छिपी है। इसको तमिल में सेंगोल कहा जाता है और इस शब्द का अर्थ संपदा से संपन्न और ऐतिहासिक है। हमारी सरकार का मानना है कि इस पवित्र सेंगोल को किसी संग्रहालय में रखना अनुचित है। सेंगोल की स्थापना के लिए संसद के भवन से अधिक उपयुक्त और पवित्र और उचित स्थान कोई हो ही नहीं सकता। इसलिए जब संसद भवन का देश को समर्पण होगा, उसी दिन आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बड़ी विनम्रता के साथ तमिलनाडु से आए हुए अधिनम से सेंगोल को स्वीकार करेंगे और अत्यंत आदरपूर्वक माननीय लोकसभा के अध्यक्ष के आसन के समीप सम्मान के साथ इसको स्थापित करेंगे।